ये मैंने कब कहा मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं जिस तरह से गुजारता हूँ उसके साथ जिंदगी, उसको तो चाहिए वो मेरा शुक्रिया अदा करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। देखना, आज का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी वाला है। ज्योग्राफी का शायद थर्ड पार्ट होगा। हाँ, दो पार्ट में पहले भी करा चुका हूँ, इसके तीसरे पार्ट शुरू करते हैं। हाँ, ज्योग्राफी का। हम काफी बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी, सर ज्योग्राफी का पार्ट करा दो। कराना तो था ही मुझे, मैंने बोला भी आप लोगों को कि आप लोग ना भी कहोगे तब भी मैं सारी चीजें कराता रहूंगा। देखो भाई, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो जितने भी लोग देख रहे हो, और शेयर करते रहा करो, लाइक करते रहा करो, कमेंट जरूर किया करो, लाइक और कमेंट जरूर करते रहो। मुझे पता रहेगा कि कौन कौन जुड़ा हुआ है साथ में, कौन कौन चल रहा है, ठीक है, मुझे पता चलता रहता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट। पहले दो पार्ट्स में मैंने आपको ज्योग्राफी की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था, उसी भौगोलिक स्थिति को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा पार्ट है और पेपर में यहां से क्वेश्चन आते भी हैं। देखो, पढ़ने को तो हमने भौगोलिक स्थिति को पढ़ा कई बार होगा, लेकिन क्वेश्चंस उससे फिर भी छूट जाते हैं। उसकी वजह है कि हम कंप्लीट नहीं पढ़ते, और वो नहीं पढ़ते जो वास्तव में पूछा जाता है। तो वही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें आपको यहाँ पर कराऊंगा कि आपने शायद ही कभी पढ़ी होगी, एकदम से फुल नॉलेज, कुछ छूट ना जाए, छोटी भी चीज हो वो भी हमें पता होनी चाहिए। पता भी है तब भी हम रिपीट करके उसको पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखोगे जिस तरीके से आज तीसरे टॉपिक में मैंने यहाँ पर मैप बनाया हुआ है, हो सकता है कि आपको बहुत क्लियर ना दिख रहा हो सकता है, तो मैं सारी चीजों को बोलूंगा। मैं ये पहले भी बोल चुका हूं कि देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप ये मुझसे बोलोगे बार बार कि सर बहुत क्लियरिटी नहीं है या ये नहीं है, तो अभी मैं कुछ बहुत ज्यादा कर भी नहीं सकता हूं। यो भी हो सकता है, इसी मोबाइल में हो सकता है, तो मोबाइल में जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूं। तो ये अभी कंप्लेन करना अभी थोड़े दिन के लिए आप लोग बंद करो, जब कुछ खुल जाएगा व्यवस्था देखेंगे क्यों क्लियरिटी नहीं आ रही है, क्या वजह है, सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं बोलता इतना हूं कि आपको समझ में आएगा, लिख भी सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखोगे जिस तरीके से मैंने यहां पर मैप बनाया हुआ है, और मैप में मैंने आपको आज दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहां पर, दो क्या तीन चार चीजें हैं वैसे तो कहने के लिए। एक तो जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के स्थापना दिवस, ठीक है, और उन राज्यों में विधानसभा की सीट, राज्यसभा की सीट और लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, इन सारी चीजों को मैंने मैप के अंदर लिखा हुआ है। बताने को तो मैं वैसे भी आपको एक एक करके लिख सकता था, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता, इसलिए मैंने सारी चीजों को पहले ही नोट कर दिया है। मैं एक एक करके यहां पर बोलता जा रहा हूं, आप लोगों को समझना है इन चीजों को और याद भी करना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहां से आता है। मैंने यही बोला है कि एक भी क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन यहां से आ रहा है तो एक भी नहीं छूटना चाहिए। पढ़ना ऐसे है कि हमसे छूटे कुछ भी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं रह जाता। हम एक टॉपिक का एक क्वेश्चन भी छोड़ दें तो ऐसे ही करके हमसे जब 10-12 क्वेश्चन छूट जाते हैं और एक आध दो गलत हो जाता है तो जीएस में बसता कुछ नहीं है फिर। तो इसलिए हमें जो भी कुछ है पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। देखोगे शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले ऊपर से ही, तो देखोगे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में इसकी, देखो ये सब जितने भी लिखे हुए स्थापना दिवस लिखे हुए हैं, इनकी स्थापना कब हुई है ये दिवस लिखे हैं यहां पर, ये डेट लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की स्थापना की डेट है 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, लेकिन भारत में शामिल होने वाली डेट इसकी पूर्ण रूप से जो है वो 1954 है, 1954, कौन सी, 1954 में पूर्ण रूप से भारत में शामिल हुआ था ये। 26 अक्टूबर 1947 की इसकी स्थापना हुई थी, और इसी जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 को विभाजन होकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना है आपका 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये 2019 में बना है 31 अक्टूबर को, इससे पहले जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, बाकी पीओके वाला पार्ट भी इसी का है, वो कोई इसमें मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है, जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई और इसका विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ, जिसमें दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख की
अगर बात करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहां पर, लद्दाख की राजधानी लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह है। और अभी रिसेंट शायद मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, या तो CHSL के पेपर में था या CGL के पेपर में था ये क्वेश्चन कि बताइए लद्दाख में कितने जिले हैं, या सबसे कम जिले वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर भी लद्दाख है, इसमें दो जिले हैं। कितने जिले हैं? दो। कौन कौन से हैं? लेह और कारगिल। कौन कौन से जिले हैं? लेह और कारगिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना भाई, ठीक है। आगे देखोगे, अच्छा इनके वैसे तो मैं अलग से बताऊंगा एक टॉपिक को, अगर यहां पर उपराज्यपाल, क्योंकि जब केंद्र शासित प्रदेश हो जाती है तो राज्यपाल उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको बोल सकते हैं, जनरल भी बोल सकते हैं। तो यहां पर राधा कृष्ण माथुर बने, सबसे पहले यहां पर जो उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर बने हैं, और यहां पर गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। वो सारे एक टॉपिक में अलग से लेंगे, अभी जो पढ़ाना है वो पढ़े, बाकी मैं बताने को बहुत सारी चीजें बता सकता हूं लेकिन फिर आपके दिमाग में नहीं रुक पाएंगे, टॉपिक एक एक करके वो सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे हम। दूसरा देखोगे हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971, नोट करते चले आना अलग से, और ऐसे जैसे मैंने मैप बनाया बाद में उसी तरीके से मैप में बनाना फिर इस चीज को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। इसके बाद देखोगे उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें याद करने की छोटी छोटी सी ट्रिक है। देखो जितने भी मैंने आपको नीले यहां पर लिखे हुए हैं, हल्का सा दिख भी रहा होगा, जितना भी ब्लू इंक से यहां पर लिखा हुआ है, ये सबके सब स्थापना नवंबर में ही हुई है, और 1 नवंबर को हुई है ज्यादातर स्थापना, 1-2 को छोड़कर। जैसे यहां पर 9 नवंबर है, यहां पर 15 नवंबर है, बाकी देखोगे सबके सब 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो देखो वैसे नवंबर वाली पढ़े हम, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1956 को वेस्ट बंगाल, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक, 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश, लेकिन भाषा के आधार पर यह कब अलग हुआ था, 1953 को, ठीक है ना, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को कौन सा हुआ? केरल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 1 नवंबर 2000 को कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। 15 नवंबर 2000 को कौन बना था? झारखंड। एक बार तो क्वेश्चन में यही पूछ लिया गया, इनका सीक्वेंस लगाइए, इनमें कौन सा पहले बना और कौन सा बाद में बना, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले 2000 में अलग हुआ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, और फिर 15 नवंबर को 2000 में अलग हुआ था, 15 नवंबर को 2000 में अलग हुआ था झारखंड, और 9 नवंबर को अलग हुआ था उत्तराखंड। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखोगे जैसे यहां पर बात की जाए, देखो यहां पर लिखा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को, उत्तर प्रदेश कब बना? 26 जनवरी 1950 को बना। बिहार की बात करोगे 1 अप्रैल 2012 को इसकी स्थापना हुई, बिहार की 1 अप्रैल 2012 को स्थापना हुई। सिक्किम की स्थापना हुई, सिक्किम की स्थापना हुई 16 मई 1975 को हुई, सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई। इसी तरीके से देखोगे आप अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987। इधर वाले राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद ही रखना है, यहां से क्वेश्चंस आता ही है, चाहे आपको बोरिंग लगे टॉपिक, कुछ भी लगे, याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है। ये कोई मिठाई नहीं है, खाओगे मजा आएगा तो खाओगे, नहीं तो छोड़ दोगे। यहां अच्छी लगे मिठाई ना लगे खानी ही पड़ेगी आपको, ये जबरदस्ती वाली बात है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो यहां पर 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई, 1 दिसंबर 1963 नागालैंड। देखो ये इधर 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई। फिर देखो ये 20 फरवरी 1987 को मिजोरम की स्थापना हुई। फिर देखो ये त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। इसके अलावा देखोगे असम की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई। इसके बाद देखोगे मेघालय 21 जनवरी 1972। देखो मेघालय, त्रिपुरा और
मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, तीनों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई है। ये भी आप याद रख सकते हो, आसानी से याद हो जाएगा। देखो अभी मैं बता चुका हूं आपको कौन कौन सा, वेस्ट बंगाल याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्य हैं, इनकी स्थापना एक ही डेट में हुई है। देखो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, 1 नवंबर 1956 को इनकी स्थापना हुई है, 3, 4, 5, 6 की, ये भी याद रखना है। इसके अलावा देखोगे यहां पर गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई है, गुजरात की स्थापना कब हुई, 1 मई 1960 में हुई है। महाराष्ट्र की स्थापना भी 1 मई 1960 में, गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ स्थापना हुई है 1 मई 1960 को। गोवा की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1961 में ये पुर्तगालियों से लिया गया था, मतलब उन्होंने उनके कब्जे में रहा था तब तक उपनिवेश, लेकिन इसकी स्थापना पूर्ण राज्य कब बना था, ये 30 मई 1987 को ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 30 मई 1987, ठीक है। इसके अलावा देखोगे आप यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को स्थापना किसकी हुई है, तमिलनाडु की, नहीं दिख रहा है मैं बोल रहा हूं यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु की स्थापना हुई है, केरल की 1 नवंबर 1956 को हुई है, कर्नाटक की भी 1 नवंबर 1956 को हुई है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई है, सबसे लेटेस्ट राज्य बनने वाला, मैं केंद्र शासित नहीं कह रहा हूं, राज्य बनने वाला सबसे लेटेस्ट राज्य यही बना था, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से देखोगे आपका बिहार भी हो गया, झारखंड बता दिया, ये सारे के सारा मैंने आपको, तो ये आपको सबसे पहले तो स्थापना कौन से राज्य की कब हुई है ये याद ही रखना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में याद रखना पड़ेगा, छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। मिजोरम याद रखना 20 फरवरी 1987 को, मिजोरम की और अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1947 को हुई है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की एक साथ हुई है, नागालैंड की अलग से याद कर लेना 1 दिसंबर 1963 को, ये पूछे गए भाई पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सबके सब, ठीक है। तो एक तो आपको ये याद रखना है पहला काम, दूसरा काम इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो दूसरा काम इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं और कितनी विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है आपके लिए, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो राज्यसभा की यहां पर 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं, लोकसभा की 6 सीटें हैं और यहां पर विधानसभा की सीटें, देखो अभी यहां पर बहुत ज्यादा निर्धारण नहीं है, तो अभी आपको बहुत ज्यादा यहां पर मतलब याद नहीं करना, लोकसभा राज्यसभा जरूर याद कर लेना, बाकी इसमें अभी वो नहीं हुआ है। सीटें तो यहां पर कुल मिला के 111 है, अब इसमें से 87 सीटों पर अब तक इलेक्शन होता था, 24 सीटें वेकेंट रहती थी यहां पर पीओके की वजह से, लेकिन अभी क्या होना है बाद में वो आगे की बात करूंगा मैं, ठीक है। तो वो अभी नहीं है, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा की सीटें, यहां पर भी यहां पर लोकसभा की 4 सीटें हैं, यहां पर लद्दाख वाले में और जम्मू कश्मीर वाले में कितनी है, 6 सीटें हैं और यहां पर राज्यसभा की 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखोगे पंजाब की बात करो, पंजाब में लोकसभा की 13 सीट, राज्यसभा की 7 सीट और विधानसभा की 117 सीट, लोकसभा की 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117। इसी तरीके से हरियाणा में देखोगे, हरियाणा में लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90, ठीक है। राजस्थान में आओगे, राजस्थान में लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें यहां पर। इसी तरीके से गुजरात में आओगे, गुजरात में लोकसभा की 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की कितनी है, 182 सीटें हैं। इसी तरीके से यहां पर आओगे आप महाराष्ट्र में, लोकसभा की सीट है यहां पर 48, राज्यसभा की है 19 और विधानसभा की सीटें हैं 289, कितनी है, 289, याद रख लेना, ये लोकसभा की सीटें पूछी भी गई है यहां से पेपर में। गोवा में आओगे तो गोवा में लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की है 1 और विधानसभा की कितनी है, 40 सीटें यहां पर विधानसभा की हैं। इसके अलावा देखोगे ये कर्नाटक है, कर्नाटक में लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 225 सीटें हैं यहां पर। केरल की बात करोगे, केरल में लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141 सीटें हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु की बात करोगे, तमिलनाडु में लिखते चले जाना,
तमिलनाडु में लोकसभा की 39, 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 235 सीटें हैं यहां पर। यहां पर आंध्र प्रदेश की बात करोगे, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175 सीट है यहां पर। तेलंगाना की बात करोगे, लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 120 सीट है यहां पर। ऐसी उड़ीसा में देखोगे, लोकसभा की 21, राज्यसभा की 20 और विधानसभा की 147 सीट है यहां पर। ऐसी देखोगे छत्तीसगढ़ में देखोगे, लोकसभा की 11, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में आओगे, लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 231 सीट है। उत्तर प्रदेश में आओगे, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404 सीटें हैं एंग्लो इंडियंस को मिला के, ठीक है। इसी तरीके से आप हिमाचल प्रदेश में आओगे, लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीट है। उत्तराखंड में आओगे, लोकसभा की 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं यहां पर। बिहार में आओगे, लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में आओगे, लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 295 सीटें हैं यहां पर। उड़ीसा में आओगे तो उड़ीसा में लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। यहां पर देखोगे झारखंड में लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 सीटें हैं यहां पर। आगे बढ़ोगे सिक्किम में, लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीट। अरुणाचल प्रदेश में देखोगे, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं, याद करना भी। नागालैंड में लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। मणिपुर में देखोगे, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें यहां पर भी हैं। मिजोरम में आओगे, लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीट हैं। त्रिपुरा में आओगे, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीट हैं। मेघालय में देखोगे, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। और असम में आओगे, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। ये पेपर में आता है क्वेश्चन। अब ये मत बोलना सर ये डेटा कैसे याद हुआ, करना पड़ेगा, ठीक है, पेपर पास करना है, नौकरी लेनी है, ठीक है, तो डेटा याद करना पड़ेगा, ठीक। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दो डेटा मैंने आपके लिए आज दिए छोटी सी क्लास, ठीक। एक डेटा हुआ कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई, उसमें राज्यसभा विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें कितनी है, एक तो ये हुआ। अभी चलते चलते इसमें दो छोटी सी चीज एक और कर लेते हैं आज के टॉपिक में, कि सबकी राजधानी एक बार देख लेते हैं, वैसे याद होंगी आप सबको, यहां तक मुझे आइडिया है थोड़ा सा, फिर भी मेरे साथ एक बार ही बोलोगे आप सब, ठीक है। जम्मू कश्मीर की क्या है, जम्मू और श्रीनगर। श्रीनगर कैसी है इसमें, शीतकालीन, और जम्मू कश्मीर कैसी है, ग्रीष्मकालीन, ठीक है। श्रीनगर कब से कब तक राजधानी रहती है, मंथ भी पूछता है पेपर में, नवंबर से अप्रैल तक, कब से कब तक, नवंबर से अप्रैल तक। और ये कब तक रहती है फिर कश्मीर वाली, जम्मू वाली, तो ये रहती है आपकी मई से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है। ये दोनों याद रखनी है आपको पॉइंट, मंथ भी याद रखो भाई, ठीक है। लद्दाख की क्या है, लेह। हिमाचल प्रदेश की क्या है, शिमला। और एक और बनी है इसकी दूसरी राजधानी, क्या है, धनबाद। क्या है, धनबाद। पंजाब की क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की भी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ यहां पर पड़ेगा उसकी भी चंडीगढ़ है, ठीक है, तीनों की चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधी विहार, महाराष्ट्र की बताओ भाई मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक बेंगलोर, केरला तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, छत्तीसगढ़,
देखो छत्तीसगढ़ की पहले थी रायपुर, उसका फिर नाम हुआ नया रायपुर, अब नए रायपुर का भी नाम क्या हुआ अटल नगर, ठीक है मैं उस दिन भी बताया था अटल नगर, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड रांची, ओडिशा भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल बोलो कलकत्ता, बिहार पटना, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, असम दिसपुर और ये मेघालय शिलांग। तो ये छोटी छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये याद होगी बात। तो अभी तक हमने जो बात की इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किया हमने, जो शायद ही आप में से किसी को पता होंगी कि पूरे राज्य की स्थापना कब हुई है, उसमें लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, शायद ही किसी को याद होंगी। कल इसी में मैं एक और टॉपिक कराऊंगा आपके लिए, वो भी लिखने वाला होगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के राज्यपाल, ये भी टॉपिक कल का रहेगा, कल के अगले जो पार्ट आएगा उसमें। अब देखो उससे पहले की अगर मैं बात करूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं जल्दी से, आप लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ले लिया। अब देखो इसमें मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, जो मैंने समझाया था उससे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भाई, और इतनी नॉलेज ले लो कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पुटअप करे और आपका आंसर तुरंत तैयार, ठीक है। इतनी और मैप से ही पढ़नी है ज्योग्राफी, ये बस ध्यान रखना है जिस बात को मैं बोल रहा हूं, बिना मैप की ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ोगे आप। मैप बनाओ, आदत डाल लो मैप की, ठीक है। चलो देखना, लास्ट क्लासेस के अंदर हमने आपसे बात करी थी पड़ोसी देशों के बारे में, पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ बनाता है, अफगानिस्तान कितने राज्यों के साथ बनाता है, चाइना कितने राज्यों के साथ बनाता है, सारे जो भी हमारी स्थलीय सीमा वाले थे कितने भारत के राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, इसकी बात करी थी लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने, क्लियर है। अब देखो यहां से एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं हम आज के लिए, कि यहां पर राज्यों की बात कर लेते हैं। जैसे हम यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हम नोट कर लेना भाई, जम्मू कश्मीर भारत के, जम्मू कश्मीर कौन कौन से देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि जो कौन कौन से देश भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाते, अब भारत के राज्य कौन कौन से देश के साथ सीमा रेखा बनाते, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो जम्मू कश्मीर बनाता है आपका पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान अफगानिस्तान और चाइना, क्लियर, ये वाला हो गया है। दूसरा यहां पर लद्दाख की बात कर लें तो लद्दाख मात्र मात्र किसके साथ बनाएगा, चाइना के साथ, ओके। इसके अलावा देखोगे आगे बढ़ते हैं तो तीन वाला देख लेते हैं पहले, ऐसे कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, तो तीन वाला देखेंगे सबसे पहले। तो एक तो सिक्किम हो, जम्मू कश्मीर हो गया जो तीन देशों के साथ सीमा रेखा बना रहा है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसमें तीन देशों के साथ बनाने वाला सीमा रेखा कौन सा है, सिक्किम। ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है या बनाता है, सिक्किम किस किस के साथ बना रहा है, नेपाल चाइना और भूटान, बना रहा भाई, देखो भाई मैप में दिख रहा है मैप आपको, ठीक है, तीन के साथ बना रहा, और कौन बना रहा भाई तीन के साथ, तो तीन के साथ अरुणाचल प्रदेश बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश। भाई थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो बाहर की तो एडजस्ट करना, क्या करें लॉकडाउन में सब परेशान है, किसी को बोल भी नहीं सकते अब, ये कब तक आदमी घर में घुसे, ठीक। तो देखो अरुणाचल प्रदेश बना रहा है भूटान, चाइना और म्यांमार, दिख पा रहे हो या आप लोग, अरुणाचल प्रदेश तीन देशों के साथ सीमा रेखा बना था, और कौन बना रहा है तीन देशों के साथ, और बना रहा है वेस्ट बंगाल, कौन सा बना रहा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल किस किस के साथ बना रहा है, बांग्लादेश के साथ बना रहा है, बांग्लादेश के साथ बना रहा है,
नेपाल के साथ बना रहा है और भूटान के साथ बना रहा है, ठीक है ना। देखो भाई ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश सॉरी ये है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ, वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ और वेस्ट बंगाल भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश देखो भूटान, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश चाइना, सिक्किम नेपाल, सिक्किम भूटान, सिक्किम चाइना। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर चाइना। हो गया तीन वाला, हो गया क्लियर। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से, तीन देश हेडिंग डाल देना इस तरीके से, तीन देशों के साथ सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य, ऐसे करके इसकी हेडिंग रहेगी, ठीक है। चलो अब बात करेंगे दो दो देशों के साथ सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। दो देशों के साथ सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य, देखो अभी तो मैं सिर्फ बाउंड्री लाइन की बात कर रहा हूं, तीसरी क्लास में भी अभी तो अंदर की तो बात ही नहीं स्टार्ट हुई है, समझ रहे हो ना कितने इंपॉर्टेंट चीज है, सारी की सारी जानना कितना जरूरी है। तो दो राज्य कौन कौन से है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं दो देशों के साथ बनाते हैं, तो सबसे पहले उत्तराखंड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। नाम बताओ कौन कौन से देश है, नेपाल, अरे बहुत सुंदर, बहुत होशियार हो जाओगे आप लोग, टेंशन क्यों ले रहे हो। चाइना, इसके अलावा और कौन सा है बोलते जाओ जल्दी जल्दी, हाँ इसके अलावा मिजोरम, अरे बढ़िया, ये कौन बोला था मिजोरम, किसने बोला था, बहुत सुंदर भाई, हाँ सुंदर हो या सुंदरी हो जो भी है बहुत अच्छा, ठीक है। मिजोरम किस किस के साथ बना रहा है, तो बांग्लादेश के साथ बना रहा है, बांग्लादेश और किसके साथ बना रहा है, म्यांमार के साथ। देखो मैप ऐसे रट जाना चाहिए आपको, कोई कुछ बोले आपका दिमाग क्लिक हो जाए वहां पर, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा है यहां पर, असम, असम किस किस के साथ बना रहा है, भूटान, भूटान और किसके साथ बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है, नहीं बना रहा भाई, भूटान और बांग्लादेश के साथ बना रहा है। और कोई ऐसा राज्य दिख रहा है जो आपको दो देशों के साथ सीमा रेखा बना रहा हो, ठीक है, और कोई राज्य नहीं है ना ऐसा, और कोई राज्य नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये बचे हुए बाकी राज्य ये एक ही देश के साथ बाउंड्री बना रहे हैं, अब ये हैं कितने, मैंने टोटल बताया था आपको 18, जिसमें दो केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य हैं, दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और बाकी बचे हुए 18 क्या है राज्य, कौन कौन से हैं सबको एक बार अब देख लेते हैं। गुजरात है स्थलीय सीमा बना रहा है यहां पर, बाकी जलीय भी बनाता है, दो ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय जलीय दोनों बनाते हैं, गुजरात और वेस्ट बंगाल, देखो ये बना रहा है एक, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख, छठा हिमाचल प्रदेश, सातवां उत्तराखंड, आठवां यूपी, नौवां बिहार, दसवां सिक्किम, ग्यारहवां अरुणाचल प्रदेश, बारहवां नागालैंड, तेरहवां मणिपुर, चौदहवां मिजोरम, पंद्रहवां मिजोरम के बाद त्रिपुरा, सोलहवां असम, सत्रहवां कौन सा हुआ है मेघालय, और अठारहवां कौन सा हुआ है वेस्ट बंगाल, हो गया 18 मतलब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कितने राज्य है, तो राज्य तो 16 ही है और दो क्या है इसमें यूनियन टेरिटरी, दो केंद्र शासित प्रदेश है। अब मैंने इसके साथ साथ ये भी बताया था आपको कि जो जो स्थलीय सीमा बन रही है इसकी टोटल लंबाई कितनी बताई थी लास्ट क्लास में आपको, 15,200 किलोमीटर ही बताई थी, कितनी बताई थी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना याद रख पाओगे आप जितना मैंने अभी तक बता दिया है आपको, ठीक है याद रख पाओगे, जिसमें सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है, जम्मू कश्मीर भारत का राज्य, और सबसे छोटी कौन बनाएगा, सिक्किम, ये भी याद रख लेना है, छोटी छोटी सी बात, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक। तो इतना याद रख पाओगे, ठीक है। बाउंड्री लाइंस की बात मैंने कर ली आपसे, ठीक है, ओके। नाम भी बताए थे मैंने उस दिन आपको, एक बार ही रिपीट करा देता हूं मैं, देखो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम क्या था जल्दी बोलो, रेड क्लिफ, क्या नाम था, रेड क्लिफ, सर कोरिल रेड क्लिफ पूरा नाम है, ठीक है। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा ड्यूरंट रेखा, कौन सी रेखा थी, ड्यूरंट रेखा। भारत चाइना सीमा रेखा मैकमोहन, ठीक है, ये कहां पर निर्धारित हुई थी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। और नेपाल भारत, तो नेपाल भारत था। भारत और भूटान की का नाम क्या बताया था मैंने, मैक्सवेल, क्या नाम बताया था, मैक्सवेल बताया था। भारत और म्यांमार, देखो मैंने उस दिन बोला था कि भारत म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो प्राकृतिक हिमालय से बनती है, नाम नहीं बताया था, अगर नाम जानना चाहते हो तो उसका नाम है अराकान योमा, अराकान योमा, भारत और म्यांमार के बीच में जो प्राकृतिक सीमा रेखा बनती है, बाकी के नाम हमने रखे हैं, उसका नाम प्राकृतिक मतलब हिमालय से खुद बनी हुई है अराकान योमा। भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा का कोई नाम नहीं था, लेकिन बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा रेखा का नाम मैंने बताया था आपको, जीरो लाइन, शून्य रेखा, क्या नाम बताया था, शून्य रेखा बताया था।
इतना टॉपिक याद कर पाओगे आज के लिए? चलो एक छोटी सी क्लास दी है आपके लिए, आज का जितना भी होमवर्क है आज ही खत्म होना चाहिए। चलो फिर अगली क्लासेस में मिलते हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो भाई, सभी सभी दोस्तों को जोड़ लो। जितने ज्यादा दोस्तों को जोड़ोगे मैं उतनी ही ज्यादा क्लासेस देना शुरू कर दूंगा। मजा आने वाला है आगे वाली क्लासेस जितनी भी होंगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आगे चल के और भी जो भी शुरू करने वाला हूं, खूब मजा आने वाला है, देखना। दम लगा के पढ़ाई करेंगे सब लोग और इस बार ही सिलेक्शन भी होगा। ठीक है भाई, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, टाटा।